आरपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें आरपीएससी अब हर एग्जाम की फीस वसूलेगा। ये बड़ा बदलाव किया गया है आरपीएससी की ओर से। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है 56 लाख कैंडिडेट्स पर। इस बदलाव का भारी असर भी देखने को मिलेगा और फ्री में आवेदन करने की छूट का दुरुपयोग किया जा रहा है। फ्री रजिस्ट्रेशन करने पर ये कैंडिडेट पर 400 रुपए होते हैं खर्च और नकल पर लगाम के लिए ओटीआर में भी बदलाव किया जा चुका है। बिना क्वालिफिकेशन आवेदन करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। राज्य सरकार करोड़ों का खर्च रोकने की तैयारियों में है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस बदलाव को लेकर, कितना कुछ असर देखने को मिलेगा, और खासकर कि जब हम पेपर लीक की अगर बात करते हैं या हम नकल की बात करते हैं तो इन पे किस तरह का असर इस बदलाव से देखने को मिलेगा? सुरेंद्र, तो है वो कुछ काफी कुछ बदलाव किया है और उसको बदलाव को लेकर के जो है वो एक राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि अब जो है वो हर एग्जाम की जो है वो आरपीएससी अलग अलग जो है वो फीस वसूलेगा। क्योंकि देखिए इसके पीछे का एक लब्बो लुआब यही नजर आता है कि कई लाखों अभ्यर्थी निःशुल्क फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ जो है वो 15% ही एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो इनका रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ जाती है और आरपीएससी का जो है वो वर्किंग जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो उसके कारण क्या है कि बस यही एक रीजन है कि लगातार आरपीएससी ने जो है वो एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। हालांकि जिस तरीके से सरकार ने ये भी देखा है कि जो आरपीएससी जब फॉर्म प्रक्रिया होती है तो उसमें सरकार का भी जो है वो करोड़ों रुपए का पैसा लगता है। तो निश्चित तौर पर दो पहलू यहाँ पर नजर आते हैं हर्षदा की। एक तो ये है कि अब अगर कोई बिना क्वालिफिकेशन के, अगर कई लोग जिसको कह सकते हैं कि ऑनलाइन भर देते हैं फॉर्म बट वो बिना क्वालिफिकेशन के भर देते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी जो है वो अब एफआईआर दर्ज करने का कहीं ना कहीं आरपीएससी ने जो है वो प्रावधान और प्रस्ताव रखा है। सुरेंद्र, बिल्कुल देखिए, और जो नकल का यहाँ पर जिक्र किया गया है उस पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है कि अगर बिना क्वालिफिकेशन के जो ऑनलाइन फॉर्म की अगर आप बात कर रहे हैं तो? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से नकल कसने के लिए तो सरकार और आरपीएससी जो है वो ओटीएस में भी इसकी जो मार्कशीट है उसमें भी काफी कुछ बदलाव करने का यहाँ पर खासा असर यहाँ पर देखा जाएगा कि आरपीएससी किस नए पहलुओं को लेकर के क्या क्या पहलू रखती है, इसको तमाम चीजों को देखने के लिए हर्षदा थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए आरपीएससी में कई ऐसे पेपर आउट हुए हैं तो पेपर को लेकर के भी सरकार कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संजीदा है। और देखिए कि सबसे खास बात ये कि आयोग ने दावा किया है कि फ्री में आवेदन करने वालों का जो छूट मिलती है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुरुपयोग यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आरपीएससी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की थी लेकिन इसके तहत स्टूडेंट को केवल एक बार में ही रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो है वो छात्रों से फीस वसूली जाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए। तो आरपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर ये बड़ा बदलाव सामने आया। अब हर एग्जाम की फीस वसूली जाएगी आरपीएससी के द्वारा और आयोग ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव। 56 लाख कैंडिडेट्स पर इसका भारी असर भी पड़ेगा और फ्री में आवेदन करने की छूट का दुरुपयोग किया जा रहा है। शायद इसको भी रोकने के लिए ये एक बदलाव किया गया है। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि ये बदलाव कितना कारगर साबित हो।